अलजेब्रा सुपर ट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एग्जाम होते हैं जैसे हमारे एनटीएससी, एसएससी, सीजीएल, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनके लिए ये हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी, टाइम सेविंग रहेगी कि हमें अगर ये फॉर्मूले याद है तो हम चुटकियों में क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट है हमारी आइडेंटिटी x प्लस में 1 बाई एक्स इक्वल टू एन। अगर कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस फॉर्म की है x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू एन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्र किसके इक्वल होगा, ये एन स्क्र माइनस में 2। कैसे आया है ये, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी एन है, देन स्क्रिंग बोथ साइड एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र प्लस में 2 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया इक्वल टू एन स्क्र। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्र, मीन्स कितना आ गया ये किसके इक्वल आ गया, एन स्क्र माइनस में 2। तो यही रिजल्ट है हमारा, अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एन है देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र इक्वल टू एन स्क्र माइनस में 2। सिमिलरली इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एन है देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, ये पावर देखो बढ़ती जा रही है हमारी, एक्स क्यूब एक्स की 5, एक्स की 6, एक्स की 7। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा, यहाँ पे क्यूब है ना तो हमें यहाँ पे स्क्वेयर था तो एन का क्या किया था स्क्वेयर, और सब्ट्रैक्ट भी क्या किया था हमने 2। यहाँ पे एन का क्या करेंगे क्यूब और माइनस में 3 इंटू में एन, क्या कर रहे हैं माइनस में 3 इंटू में एन। जैसे x क्यूब वाली आइडेंटिटी में हमें क्या करना होगा, जो भी n के इक्वल है, जो भी आइडेंटिटी x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू n है देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब किसके इक्वल होगा, n क्यूब माइनस 3n। n क्या होगा यहाँ पे, जो x प्लस 1 अपॉन x जिसके इक्वल है, ठीक है ना। नाउ इफ x प्लस 1 बाई x इक्वल टू n है देन वैल्यू हमारी अब क्या होगी, 4, x की 4 प्लस 1 अपॉन x की 4। देखो x की 4 पावर कब आएगी, तब हम x का स्क्वेयर करेंगे, तो x स्क्वेयर वाली टर्म ये किसके इक्वल थी, n स्क्वेयर माइनस में 2, देन x की 4 वाली टर्म किसके इक्वल होगी, इसी का हम क्या करेंगे स्क्वेयर, n स्क्वेयर माइनस 2 का होल स्क्वेयर, और आप स्क्वेयर वाली टर्म में से हम कितना माइनस करते हैं माइनस 2, तो इसमें भी क्या कर देंगे माइनस 2। रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एक आइडेंटिटी याद कर लो अपने आप सारी आइडेंटिटी इजिली याद हो जाएंगे। यहाँ पे x की 4 थी ना तो हमने क्या किया, x स्क्वायर वाले टर्म थी उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, और जो भी x स्क्वायर वाले टर्म है उसमें हम माइनस में 2 करते हैं, तो इसमें भी मैंने क्या कर दिया इसका स्क्वायर करके माइनस में 2। नाउ इफ x प्लस 1 बाई x इक्वल टू n देन द वैल्यू ऑफ x की 5 प्लस 1 अपॉन में x की 5, x की 5 प्लस 1 अपॉन में x की 5, x की 5 पावर किसी का स्क्वायर या क्यूब करने से तो आएगी नहीं, तो हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को और इंटू में एक्स 3 वाली टर्म को, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 3 बेस सेम होता, पावर क्या होता है एक्स की 5, तो एक्स की 5 पावर हमें लेके आनी है, तो मीन्स किसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म की और एक्स क्यूब वाले, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है एन स्क्वायर माइनस 2, याद रखना है ये हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इजिली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, एन स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में एक्स क्यूब वाली क्या थी एन क्यूब माइनस में 3n, और याद रखना है इसमें माइनस में n करना है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एन स्क्वेयर माइनस में 2 स्क्वेयर वाली इंटू में क्यूब वाली और माइनस में n, देन किसकी पावर आएगी हमारे पास x की 5 प्लस 1 अपॉन में x की 5। सिमिलरली इफ x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू n देन द वैल्यू ऑफ x की 6 प्लस 1 अपॉन में x की 6। अब देखो x की पावर 6 कैसे आएगी, x की पावर 6 या तो मैं x की पावर 3 का क्या कर दू स्क्वायर, या x की जो पावर 2 है उसका मैं क्या कर दू यहाँ पे क्यूब, टू मेथड से आ सकती है यहाँ से x की पावर 6। तो x की पावर 6 मैंने क्या किया, जो n x की पावर 3 वाला जो एक्सप्रेशन था ये किसके इक्वल था n क्यूब माइनस में 3 है, तो इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, स्क्वेयर किया है n का स्क्वेयर किया है तो माइनस में क्या करना होगा हमें 2, अगर क्यूब किया है तो माइनस में क्या करना होगा 3n। तो यहाँ से x की पावर 6 थी तो मैंने क्या किया, जो x की पावर 3 का एक्सप्रेशन किसके इक्वल था n क्यूब माइनस 3 है, इसका मैंने स्क्वेयर कर दिया, और स्क्वेयर करेंगे तो माइनस में हमें
टू करेंगे। याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, आइडेंटिटी इजिली याद हो जाएंगे आपको। एन स्केयर सॉरी एन एन क्यूब माइनस में थ्री एन का स्केयर, क्योंकि आप किसी भी पावर की जो x की पावर थ्री था इसको स्केयर करेंगे तभी तो x की पावर सिक्स बनेगा ना। तो यही किया है मैंने, x की पावर थ्री की वैल्यू यहाँ पे ये थी एन क्यूब माइनस में थ्री एन, और इसका क्या करेंगे हम स्केयर x की पावर सिक्स लाने के लिए, और स्केयर करने पे क्या होता है माइनस में टू, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस टू। नाउ इफ x प्लस वन अपॉन एक्स की एक्स किसके इक्वल है n के, देन द वैल्यू ऑफ x की सेवन प्लस में वन अपॉन x की सेवन, तो ये कैसे निकलेगी x की पावर सेवन यानी कि x की पावर फोर इंटू में x की पावर थ्री, तभी तो पावर क्या आएगी इसकी x की पावर सेवन। तो इसकी ये किसके इक्वल था x की फोर वाली n स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस में टू इंटू में x क्यूब किसके इक्वल था n क्यूब माइनस में थ्री एन, और इस टाइप वाले में x की फाइव या x की सेवन ओड जो ये पावर है इसमें माइनस में हमें क्या करना है n, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। वैसे तो पता चल गया x की पावर सेवन कैसे आई है x की फोर इंटू में x की पावर थ्री, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे हमने x की पावर फाइव में किया था x की टू इंटू में x की थ्री और माइनस में n, तो इसमें भी क्या करेंगे हम x की पावर सेवन में x की फोर इंटू x की पावर थ्री और माइनस में n। ये तो ऊपर से हमने फाइंड आउट कर ली थी x की पावर फोर एंड x की पावर थ्री, तो यहाँ पे पुट कर दी मैंने एन स्क्वेयर माइनस टू का होल स्क्वेयर माइनस टू इंटू एन क्यू माइनस थ्री एन और माइनस में n। नाउ x प्लस वन बाई x इक्वल टू n है, देन किसकी वैल्यू निकालनी है हमें x की एट प्लस वन अपॉन में x की एट। अब x की पावर एट कैसे निकलेगी ये, अगर x की पावर फोर का मैं क्या कर दू स्केयर, x की पावर फोर का पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, देन x की पावर फोर किसके इक्वल था n स्केयर माइनस टू का होल स्केयर और माइनस में टू, n स्केयर माइनस में सॉरी यहाँ पे माइनस टू होगा क्योंकि ऊपर x n स्केयर माइनस में टू है, एन स्केयर माइनस में टू का होल स्केयर और माइनस में टू। अब इस कंप्लीट वैल्यू का हमें क्या करना है x की पावर फोर का स्केयर, तो इसका क्या करेंगे स्केयर, और स्केयर करते टाइम माइनस में क्या करना होगा हमें टू, देन इजिली हम x की पावर एट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या क्या एक बार फिर से देखो, x की पावर एट था तो x की पावर एट कैसे निकालेंगे हम, x की पावर फोर फिर उसका क्या करेंगे स्केयर, तो x की पावर फोर किसके इक्वल था एन स्केयर माइनस टू का होल स्केयर माइनस में टू, देन एन स्केयर माइनस टू का होल स्केयर माइनस में टू इसका क्या करेंगे स्केयर, अगर स्केयर किया है देन माइनस में क्या करते हैं हम टू। नाउ इफ x x प्लस वन अपॉन में x इक्वल टू एन, देन द वैल्यू ऑफ x की नाइन प्लस वन अपॉन x की नाइन, अब की बार हमें नाइन पावर गिवन है, देन हमें क्या करना होगा x की पावर थ्री की पावर थ्री, x की पावर नाइन कैसे आएगा x की पावर थ्री की पावर थ्री। अब x की पावर थ्री किसके इक्वल था, यहां से देखो n क्यूब माइनस में थ्री है, तो मैंने क्या किया n क्यूब माइनस थ्री एन का क्यूब, n की जगह पे ये वैल्यू है n का क्यूब, अब माइनस में क्या करना है थ्री एन, n की जगह पे क्या है n क्यूब माइनस में थ्री एन, देन x की पावर नाइन के एक्सप्रेशन हमारे यहां से आ गई, x की पावर थ्री क्या था n क्यूब माइनस में थ्री एन, अब इसका क्यूब करेंगे हम n की जगह पे, अब की बार वैल्यू हमारी n क्यूब माइनस थ्री है, तो n का क्यूब माइनस में थ्री इंटू में। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे इन्हीं पे बेस्ड कितनी जल्दी से हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ x प्लस वन अपॉन में x इक्वल टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्र, हमें स्केयर की टर्म निकालनी है तो स्केयर में क्या करना होगा एन स्केयर माइनस में टू, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इक्वल टू एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है टू है, यहां लिखेंगे हेयर एन इक्वल टू टू, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र अपॉन वन अपॉन में एक्स स्क्र किसके इक्वल होगा एन स्क्र माइनस में टू, एन स्क्र माइनस में टू मीन्स एन क्या है टू का स्क्र फोर, फोर माइनस में टू, आंसर कितना आ गया हमारा टू, सो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्र इज टू। नाउ इफ गिवन है ये हमें एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की फाइव, ये एनटीएससी में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्स की एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो। देखो हम इसको देख के डर जाते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा, तो हमें क्या करना होगा इस इक्वेशन को मैं एक्स से डिवाइड कर दू, तो एक इस फॉर्म में चेंज हो गया एक्स
माइनस में 3 प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, गिवन इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। अब ये किस फॉर्म की चेंज होगी, x प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब इजिली हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5, x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5 किसके इक्वल है, ये देखो x का जो स्क्वायर वाली टर्म थी और इनटू में x की जो क्यूब वाली टर्म थी, दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और माइनस में n। ये है इसका फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर वाली ये होती है और क्यूब वाली n क्यूब माइनस में 3n और माइनस में n। माइनस में क्या करना होगा, x की पावर 5 में और x की पावर 7 में हमें माइनस में n। अब ये वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2, 3 का क्यूब 27 माइनस में 9 और माइनस में 3, ये कितना आ गया 7 और ये इंटू में 16 माइनस में 3, यही आ गया ना, यहां से ये कितना आ रहा है और माइनस में 3। देन आंसर हमारा क्या आएगा, यहां से 9 माइनस में 2 इंटू 27 माइनस में सॉरी 18 आएगा, हमने मिस्टेक से 16 लिख दिया इसको, ये कितना आ गया 56, 126 माइनस में 3, आंसर आ गया हमारा 123। सो वैल्यू ऑफ x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5, ये x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5 का ही फॉर्मूला है ना, n स्क्वायर माइनस में 2 इंटू n क्यूब माइनस 3n माइनस में n। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मैंने 3 पुट किया, देन आंसर हमारा कितना आ गया 123, x की 5 प्लस 1 अपॉन x की 5 इक्वल टू 123। देखो एक मिनट में ही हमारा आंसर आ गया, ये हमने क्या किया है, गिवन इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। इस फॉर्म में चेंज करने की हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये फॉर्म बन जाए, x प्लस 1 अपॉन x, देन इजिली हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। नाउ और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही कुछ, x प्लस 1 अपॉन x की किसके इक्वल है 4 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 7 प्लस 1 अपॉन x की 7। अब x की पावर 7 कैसे आएगा, x की पावर 4 जो किया था हमने इंटू में x की पावर 3, और x की पावर 4 कैसे आया था, x के स्क्वायर का स्क्वायर किया था। इसका फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर क्या था, n स्क्वायर माइनस 2 उसी का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में x की पावर 3 क्या था, n क्यूब माइनस में 3n, और यहां से जो x की पावर 5 और x की पावर 7 उसमें हमें क्या करना है, माइनस में n। देन x की 7 प्लस 1 अपॉन x की 7 किसके इक्वल है, ये एन स्क्वेयर माइनस में 2 का होल स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में एन की 3 माइनस में 3n और माइनस में n, n की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारा 4 है, तो एन स्क्वेयर माइनस में 2 का होल स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे और माइनस में 2 और इंटू में एन 3 माइनस में 3n माइनस में n, तो n का स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे कितना हो गया 16 माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू n की जगह पे 4 है, 4 का क्यूब करेंगे 64 माइनस में 3 इंटू में 4 और माइनस में n माइनस में 4, आंसर कितना आ गया हमारा, ये 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 माइनस में 2 64 माइनस में 12 और माइनस में 194, यहां से कितना आ गया 52 और माइनस में 4, ये 12 है इसके साथ पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और माइनस में 194 की मल्टीप्लाई कितनी 52 के साथ है? ये 883 यहां से आ गया, ये 988 और माइनस में 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा 48001, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और माइनस में हमें 4 कर देंगे ये, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी 4, देन हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से x की 7 प्लस 1 अपॉन में x की 7। नाउ वन मोर एग्जांपल, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू रूट 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, हमें स्क्वायर की निकालनी है तो स्क्वायर वाले किसके इक्वल होगी n स्क्वायर माइनस में 2, ये किसकी वैल्यू है हमारी n, n की वैल्यू रूट 2, सो वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एन स्क्वेयर माइनस में 2, एन का स्क्वेयर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वेयर 2 माइनस में 2 किसके इक्वल आ गया 0 के, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 0। ओके स्टूडेंट, इसी पे बेस्ड और कुछ एग्जांपल तुम ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट है तो इसमें किसी भी आइडेंटिटी में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के साथ और वीडियोज बनाएंगे। थैंक्स एवरीवन।